तो ये बात पण स्वीकारवी पड़शे कि राज्य में कोरोना नो केर वधी रह्यो छे। 24 कलाक में नवा 340 केस नोंधाया छे। राज्य में कोरोना ना कुल 9932 केस नोंधाया छे। 24 कलाक में कोरोना थी कुल 20 लोगों ना मौत थया छे। तो 24 कलाक में अमदावाद में 261 केस नोंधाया, गांधीनगर में 11, राजकोट में 12 केस, वडोदरा में 15, सूरत में 32 केस पॉजिटिव, पाटण में 1, खेड़ा में 1, जामनगर में 1, साबरकांठा में 2, अरवली में 1, महिसागर में 1, महिसागर में गीर सोमनाथ में 1, सुरेन्द्रनगर में 1-1 केस नोंधायो छे। तो गुजरात भर में कोरोना नो केर वधी रह्यो छे। गुजरात में हवे केस जे 9932 सुधी पहुंचा छे, एटले के हवे ते कुल 10,000 ने आसपास पहुंचवानी नजीक छे। अने आ आंकड़ो चौंकावनारो चोक्कस थी छे, कारण के गुजरात में जे प्रकारे उत्तरोत्तर केस में वधारो थतो जई रह्यो छे, सौथी वधारे चिंताजनक बाबत ए छे के सौथी वधारे आंकड़ो अमदावाद नो वधी रह्यो छे। आपणे विस्तार थी एक नक्शा द्वारा समझावानी कोशिश करिए तो अमदावाद में अत्यार सुधी 7171 केस नोंधाया छे, गांधीनगर में 157 केस, महेसाणा में 42 केस नोंधाया छे, तो साबरकांठा में 29 केस नोंधाया छे, बे लोकोना मौत थया छे, पाटण में 35 केस, बे लोकोना मौत, कच्छ में 14 केस, एक व्यक्ति नुं मौत थयुं छे, मोरबी में 2 केस, एक पण मौत नथी थयुं अहीं, जामनगर में 34 केस नोंधाया छे, तेमांथी 2 व्यक्ति नुं मौत थयुं छे, राजकोट में 78 केस नोंधाया छे, पोरबंदर में 4 केस नोंधाया छे। आ विस्तार ग्रीन झोन हतो, परंतु धीमे धीमे ते पण ओरेंज झोन में आवी गयो। भावनगर में 103 केस नोंधाया छे, सूरत में 1015 केस नोंधाया छे, वडोदरा में 620 केस नोंधाया छे, आणंद में 82 केस नोंधाया छे, तो पंचमहाल में 68 केस नोंधाया छे, छोटाउदेपुर में 21 कोरोना पॉजिटिव दर्दीओ छे, दाहोद में आंकड़ो 20 पर छे, बनासकांठा में 83, खेड़ा में 34 केस नोंधाया छे, भरूच में 32 केस नोंधाया छे, 2 व्यक्तिना मौत थया छे, बोटाद में 56 केस, 1 व्यक्तिनुं मौत, नर्मदा में 13 केस नोंधाया छे, तापी में 2 केस नोंधाया छे, डांग में 2 केस नोंधाया छे, तो नवसारी में 8 केस नोंधाया छे। नक्शा थकी अमे आपने अलग अलग विस्तारों की जानकारी आपी रह्या छीए। ગઈકાલ સાંજના 5 વાગ્યાથી આજ સાંજના 5 વાગ્યા સુધી કોવિડ 2019ના કુલ 340 પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે, 340. આ જ સમય દરમિયાન 7 એવા લોકો છે કે જેમનું દુઃખદ અવસાન પ્રાથમિક કારણ કોવિડના લીધે, એમના સંક્રમણના લીધે થયું છે. 13 એવા લોકો છે કે જેમને પહેલેથી અન્ય ગંભીર કોમોર્બિડ કન્ડિશન્સ હતી અને કોવિડના સંક્રમણથી એમની પરિસ્થિતિ વધારે બગડતા એમનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. આજે કુલ આ જ સમયગાળા દરમિયાન 282 જેટલા લોકો ડિસ્ચાર્જ થઈને ઘરે પાછા ગયા છે.